हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी ब्लॉग फॉर UPSC चैनल में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने के लिए हमारे पास जो है लगभग मान के चलिए मोटा माटी 70-80 डेज हैं, लगभग 80 दिन हैं हमारे पास, क्योंकि आज है 10 तारीख। और सबसे पहले आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, और जिस तरह से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे साथ, इसी तरह आप लोग करते रहेंगे तो निश्चित ही सफलता आप लोग जो है अगले साल का जो हम लोगों का दिवाली कब दिवाली होगी वो हम लोगों की बेरोजगारी में नहीं होगी, एक अच्छी नौकरी कर रहे होंगे हम लोग, या नौकरी कर नहीं रहे होंगे तो नौकरी तक पहुंच चुके होंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का दिन काफ़ी हेक्टिक रहा क्योंकि पहले सुबह तो जल्दी उठ गया था, सुबह जल्दी उठने के बाद तो मैंने अपने लेक्चर वगैरह जो थे खान के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, प्लस क्या कहते हैं जो इन्वायरमेंट के टॉपिक पढ़ने थे, वो सब मतलब रिवीजन जो मतलब घटना चक्र से मैं करना शुरू कर दिया है मैंने, वो सब कर लिया था। बट मैंने मान के चलिए सुबह 4-5 घंटे पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा मतलब जब, फिर मुझे थोड़ा मार्केट सामान लाने जाना पड़ा, तो सामान वामान लेने के लिए फिर गया मैं मार्केट में, तो वहाँ से आते आते मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगभग 2-2.5-3 घंटे लग गए। तो वहाँ से जब मैं लौट के आया तो काफ़ी थक गया था, थकने के बाद अब क्या करेंगे, तो पढ़ाई हो नहीं पाती, आप लोग भी जानते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई जो है अपनी वहीं पर स्टॉप कर दी, फिर मैंने लंच वंच किया, लंच करने के बाद मैं अपना आराम से सो गया। तो सोने के बाद जब मैं उठाऊँ 5 बजे नैप के लिए, तो ये नैप मतलब पूरा करने के बाद फिर मैंने कहा कि अब शाम को जो है स्टडी को अपनी कंटिन्यू करना है, तो फिर स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए स्टार्ट किया। तो फिर मैंने वही शाम को 8:30-9 बजे तक पढ़ाई की, मतलब मान के चलिए 5:30 से 9 बजे तक अपना जो रेस्ट टॉपिक मेरे से हिंदी मैंने पढ़ा, घटना चक्र लगाई अपनी क्या कहते हैं हिस्ट्री की, और प्लस क्या कहते हैं हिंदी में जो टॉपिक मुझे अभी भी कन्फ्यूज़ कर रहे थे, जैसे विकार विकार जो मतलब आप जैसे वर्तनी अशुद्धि वगैरह पढ़ेंगे या विशेष विशेष पढ़ेंगे तो संज्ञा संज्ञा सर्वनाम विकारी शब्द अविकारी शब्द ये सब क्या आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तो मुझे लग रहा था कहीं से मुझे कन्फ्यूज़ हो रहा है, तो मैंने इनको दोबारा किया। तो ये सब करते करते पूरा करा हमने एकदम कायदे से, और ये सब करने के बाद ये समझ लीजिए लगभग वही लंच मतलब डिनर का टाइम हो गया था, फिर मैंने डिनर विनर किया, और दिन में हो रही थी आज सफाई, तो सफाई हो रही थी तो मेरा कमरा बड़ा अस्त व्यस्त हो गया था, तो अस्त व्यस्त हो गया था उसको तो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि मुझे घर में और भी काम करने थे, और भी काम मतलब स्टडी को लेकर अपना रिलेटेड जो भी काम था वो मुझे करना ही करना था। तो फिर उसके अलावा जो काम थे मेरे, जैसे अब सफाई भी रूम की मुझे ही करनी, क्यों घर में रह रहा हूँ, घर में हेल्प करेंगे नहीं तो, हेल्प नहीं करेंगे तो फिर सफाई कौन करेगा, तो फिर सफाई भी खुद ही करनी थी। तो रूम अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा मैं कि मेरा रूम किस तरह का हो गया था, और फिर मैं जब कल नया वीडियो लाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि रूम कितना मैंने मतलब किस तरह से पूरा मैनेज दोबारा मैंने फिर से मैनेज कर दिया था। और ये तो दिन में टास्क रहा। फिर लंच वंच करने के बाद फिर मम्मी ने कहा कि जाओ थोड़ा मार्केट चले जाओ, तो मार्केट फिर मैंने कहा कि लाओ थोड़ा कहीं घूमने निकला नहीं, तो सब बाहर थोड़ा मार्केट वगैरह गया, मार्केट से घूम के आया, और घूम के आने के बाद ये देखिए मेरा ट्राइपॉड स्टैंड, और ये देखिए मेरी बेंच जो मतलब इस समय सामान किस तरह फैला हुआ है, ये देखिए सब इस तरह पड़ा हुआ ऊपर नीचे सब इधर उधर। कल तो मैं नीचे ही सोऊंगा, आज मैंने बिस्तर नीचे ही लगा रखा है अपना, और ये मेरे कपड़े ये सब इसी तरीके से पड़ा हुआ था। इन सब चीज़ों को दोबारा मैनेज करूंगा कल सुबह, एकदम टेबल फिर से लगेगी मेरी, क्योंकि मतलब स्टडी तो रेगुलर कंटिन्यू करनी ही है ना, क्योंकि आप अगर एक भी दिन मिस कर जाएंगे तो फिर आपको खुद ही, हाँ तो मैं कह रहा था मैं मार्केट गया, मार्केट से एक बहुत अच्छा सा वो लेके आया हूँ मैं, एक टॉय कह लीजिए या एक मतलब मूर्ति कह लीजिए, वो बहुत सुंदर लग रही थी, मिट्टी की मूर्ति है, इस समय मेरे घर के पास लगाए रहते हैं। और आजकल मैंने एक नया टॉप नए तरीके से मतलब मैंने एक चीज़ शुरू की है कि जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो स्टॉप वॉच चालू कर लेता हूँ, स्टॉप वॉच चालू करने के बाद मैं जितने देर स्टडी करता हूँ उतनी देर स्टॉप पर चालू करता हूँ, स्टॉप वॉच से मुझे एक चीज़ आइडिया लग गया कि मैं डेली कितने दिन कितनी देर के लिए पढ़ रहा हूँ। तो कल का जो मेरा इफेक्टिव टाइम था वो मान के चलिए लगभग मैंने जो पूरा पढ़ा था वो लगभग 8:30 घंटे, 8 घंटे 45 मिनट था, 8 घंटे 45 मिनट मैंने पूरे दिन की स्टडी अपनी जो है वो की थी। और इतनी स्टडी में मान के चलिए इफेक्टिव स्टडी अगर मैं निकाल लूँ अपनी तो लगभग 6.5-7 घंटे तो होगी होगी, और ये इफेक्टिव स्टडी मैंने करके फिर रात में, तो अब बिस्तर तो देख ही लिया मेरा नीचे लगा हुआ था, तो कल तो रात में सोऊंगा। अब कल सुबह मुझे लग रहा है कि कोई टेबल लगी नहीं तो मुझे स्टडी हो नहीं पाएगी, पर हाँ मैं आफ्टरनून से जो है अपनी स्टडी को दोबारा कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि
दिन तो मतलब एक दिन भी कम हो जाएगा तो कम है। और आप सभी लोग धनतेरस मतलब दिवाली को जो है इस तरह दिवाली के लिए सोचिए कि अगली दिवाली तक आप एकदम सब कुछ चीज़ें अपनी एकदम अपने ड्रीम्स को अचीव कर लें, अपने लक्ष्य को हासिल कर लें। और इसी के साथ मिलते हैं कल अगले व्लॉग में, और व्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग अगर नए हैं, थोड़ा सपोर्ट करिए मुझे भी, मुझे भी व्लॉग बनाने में हो सकता है मैं अभी इतना परफेक्टली नहीं बना पा रहा हूँ, बट हाँ कोशिश मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे सपोर्ट बनाए रखिए जिससे मैं अपना व्लॉग जो है और अच्छे से आप लोगों को दूँ। और मुझे कुछ टिप्स दे दीजिए कि मैं व्लॉग में और क्या ऐड करूँ क्या नहीं ऐड करूँ। और व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके, गुड नाइट।